सर, इस रेस में हमारा 6 नंबर का घोड़ा ब्लू बोल्ट हॉट फेवरेट है। उस पर सबसे ज्यादा बेटिंग लगी है। बाकी घोड़ों पर? बाकी के सारे घोड़ों पर 2-3 मिलियन की एवरेज है। 12 नंबर पर? जी, मैं रणवीर के घोड़े की बात कर रहा हूँ। रणवीर का घोड़ा नया है, उस पर 10-1 का भाव है। 10-1? एक काम करो, मेरे सारे पैसे रणवीर के घोड़े पे लगा दो। लेकिन सर, 20 मिलियन का रिस्क? ये रिस्क सेट है। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मेरे घोड़े के बाद रणवीर का घोड़ा सेकंड बेस्ट आएगा और मेरा घोड़ा फिनिशिंग लाइन के जस्ट पहले स्लो हो जाएगा। रणवीर जीत कर भी हार जाएगा। मतलब जीतेगा रणवीर का घोड़ा और पैसे हम कमाएंगे। यू आर राइट। गुड आइडिया सर। थैंक यू। सोफिया, मेरे 4 मिलियन कबीर के घोड़े पे लगा दो। हम अपने घोड़े पे पैसे नहीं लगाएंगे। प्लीज जस्ट डू एज आई से। हॉर्स नंबर 12 राइजिंग स्टार ओन्ड बाय रणवीर सिंह एंड वी हैव गॉट नंबर 6 ओन्ड बाय कबीर आहूजा ब्लू बोल्ट। दीज टू आर द मेन कंटेंडर्स बिसाइड्स। सब ठीक है? हाँ सर। गुड, फिर बी अ वेरी वेरी फास्ट रन रेस। इट ऑल सेट। Even break by all the runners and as they settle down to it, it's horse number 6, Blue Bolt, who bolts into the lead. He's about length and a quarter in first of 9 carats in second position. Little over is running at 12 turn. Very close behind them is Raven Star, looking to make a forward move. And then the two-legged quarterback from James Anderson, who's got quite a bunch of Capriano on the button and top here. ओह माय गॉड, हम बर्बाद हो गए सर। हमने 50 मिलियन की बेटिंग ली थी, 80 मिलियन देने पड़ेंगे सर। और 20 मिलियन जो रणवीर के घोड़े पर लगाए थे वो भी गए सर। प्लीज 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 लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, प्लीज लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। तुमने अपने घोड़े को स्लो करवाया, मैंने अपने घोड़े को थोड़ा ज्यादा स्लो करवाया। तुम्हारी बदकिस्मती कि तुम जीत गए। ऑन बाय द वे, मैंने आज भी एक पार्टी रखी है अपनी हार सेलिब्रेट करने के लिए। आना जरूर। गुड मॉर्निंग। आप लोग चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज कम। व्हाट अ नाइस सरप्राइज मैम। क्या है कि रणवीर की डेथ के बाद सोफिया काफी लो फील कर रही थी, तो मैंने सोचा यू नो हाथ में हाथ डालकर बीच पर घूमने निकल चले हैं। सो क्यूट। या रियली क्यूट। इतना अच्छा देवर है, भाभी को भाई की कमी महसूस ही नहीं होने देता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था। माना कि यह जगह शहर से बहुत दूर है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था, एटलीस्ट पॉलिसी की रकम मिलने तक। गुड वेल, तुम कहना क्या चाहते हो? देखा मैंने, इंटेलिजेंट क्रिमिनल की यही खासियत है, वो कभी हार नहीं मानता। कल मैं केप टाउन गया था, वहां मेरी मुलाकात एक स्टेट एजेंट से हुई, वही जिससे रणवीर भैया और भाभी जी मिलने गए थे। वहां अचानक
भाभी जी ने तबीयत खराब होने का नाटक किया। ना तो ये दो रोज फ्री थी, ना ही रणवीर ने इन्हें प्रपोज किया था। बेचारे रणवीर भैया को लगा कि सचमुच इनकी तबीयत खराब हो गई है और इन्हें होटल जाकर आराम करने के लिए कहा, लेकिन इन्हें शादी की बहुत जल्दी थी। ये पहुंची मैरिज रजिस्ट्रार के पास, जहां हमारे छोटे भैया राजीव पहले से ही मौजूद थे और इन दोनों ने शादी कर दी। मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन तो रणवीर की है, ये चमत्कार कैसे हुआ? इनकी वजह से। मैरिज सर्टिफिकेट पर रणवीर के साइन पहले ही ले लिए थे। कितनी बार बोला मैंने तेरे को ऑफिस से फोन मत कर, मेरे को एक सेकंड ये ले इसमें साइन करो। फिर हमारी भोली भाली भाभी जी ने चुपके से ओरिजिनल सर्टिफिकेट को रणवीर के साइन किए हुए सर्टिफिकेट से बदल दिया। फिर रजिस्ट्रार के सामने उन्होंने रियल सिग्नेचर किए और मिस्टर पुरुषोत्तम ने सिग्नेचर करने की एक्टिंग की। अब ये पुरुषोत्तम कौन है? मिस्टर राजीव ही मिस्टर पुरुषोत्तम है। इसी नाम से आपने केप टाउन की एयर टिकट बुक करवाई थी ना? हाँ? उस दिन केप टाउन 91 लोग गए थे, 90 लोगों से तो मेरी बातचीत हो गई, बस एक पुरुषोत्तम का अता पता नहीं मिला। लेकिन ये मैरिज ब्यूरो से फोटो जरूर मिला है। कितना लोग हैं? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं पैसा खाऊंगा? Don't insult my intelligence, officer. अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए होते तो अब तक मैं लॉकअप में होता। He's right. You're right. टोटल अमाउंट का 25% लूंगा, 8% सर्विस टैक्स माफ। कब तक मैं ये फ्रूट खाता रहूंगा? Done. बदले में तुम हमें क्लीन चिट दोगे ताकि हमारे पॉलिसी के पैसे तुरंत मिल जाए। मैं इंश्योरेंस कंपनी को क्लीन चिट दे चुका हूं और ये उसकी कॉपी। मंडे तक तुम्हें सैंक्शन लेटर भी मिल जाएगा। मैं अब तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। बाय। नमस्ते भाभी जी। मैम। मैं सोच भी नहीं सकती थी, हर बार आप 5-10 लाख का चक्कर चलाते थे, इस बार 100 मिलियन डॉलर्स का 25% यानी 25 मिलियन डॉलर्स। तुम टेंशन मत लो, हमेशा की तरह तुम्हें तुम्हारा कट मिल जाएगा और साथ में 100 रुपया टिप भी। थैंक यू सर। मेंशन नॉट। तुम्हारे पैसे कहां पहुंचा दूं? किंग क्रॉस रोड पर एक चिल्ड्रन सोसाइटी है, कल वहां जाकर मेरा शेयर डोनेट कर देना। डोनेट करो? मेरा पैसा है, इट्स माय मनी, मैं कुछ भी करूं। गुड लक। सो वियर्ड।
goes life is race. Break up the team base. Boom, 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 goes life is race. करीब से कभी नहीं देखा। जब हर वक्त मैं तुम्हारे साथ हूं तो डर किस बात का? जब तुमने सोफिया के नाम के सैंक्शन लेटर की बात बताई मैं तब भी समझ गया कि पैसा मिलते ही राजीव तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। लेकिन राजीव बैंक से पैसे ले जा चुका है। आई नो, मैं यही चाहता था। आफ्टर ऑल है तो मेरे मौत के पैसे, उसे राजीव कैसे ले जा सकता है? एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. The plan is working.